I'm all the way up. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है शुभम। आज हम निकले हैं हमारी हुस्क्वर्ना पे राइड पे। मैं और आशीष आज निकले हैं क्योंकि मेरे बाइक को हो गई थी इसकी फर्स्ट सर्विसिंग और अब मुझे टेस्ट करना था कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही कैसा परफॉर्म कर रहा है। 500 किलोमीटर चलने के बाद काफ़ी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी, वाइब्रेशन ज़्यादा हो गई थी। और अराउंड 1000 किलोमीटर चलने के बाद मैंने इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग करवाई है। आज हम सिटी से निकल रहे हैं और मैंने सिटी पहले जहाँ घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, आपको पता है कि सिटी इज़ रियली क्राउडेड प्लेस और वहाँ से निकलना मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट। तो अगर कहाँ आ चुके हम और अब यहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो यहाँ से अब हम जाने वाले हैं PNM मॉल। वहाँ पर हमें एक दूसरा ब्लॉग बनाना है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई शुड मेक अ स्मॉल ब्लॉग। और मैं आपको बताऊँ कि बाइक में क्या क्या चेंजेस आए थे बीच में और अब ये कैसा परफॉर्म करिए सर्विसिंग के बाद और क्या ये बर्थ वाइंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ओनरशिप रिव्यू मिलना चाहिए इस बाइक का। तो मैंने ये बाइक ली थी दशहरा के टाइम एंड इसको अब काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 महीने हो गए हैं। करेंटली ये मेरी पहली बाइक थी वैसे एंड आई एम इन सो लव विद दिस बाइक। बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके पावर, इसका ब्रेक, सब कुछ आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये मेरी पहली बाइक थी और 2019 में KTM और बजाज के साथ कोई पार्टनरशिप से हुस्क्वर्ना जो है एक स्वीडन ब्रांड है, कंपनी है, वो इंडिया में आई थी और उसने ये बाइक लॉन्च की थी पूरे पटना में। पटना सिटी में इसका एक शोरूम है KTM के साथ, वहाँ से मैंने ये बाइक परचेज़ की थी। स्टार्टिंग में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, इसे राइड करने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन ओवर द टाइम आपको पता है कि माइलेज कम देती है जब आप बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग नहीं होती। और कुछ कुछ चेंजेस चेन में, थोड़ी सी इसकी साउंड आ गई थी, हमने इसे इसका स्पीड टेस्ट किया था, हमें नहीं करना चाहिए था ऑब्वियसली, फर्स्ट सर्विसिंग के पहले स्पीड टेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टिल वी डिड एंड ठीक है यार, होता है, रुका नहीं गया हमसे। सो मैं आपको बताऊँगा इसके प्रोज और इसके कॉन्स और राइड करते हुए पटना घुमाते हुए कि अभी चलाते हुए कैसा लग रहा है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। सबसे पहले डिज़ाइन, गाइस दिस इज़ अ रेट्रो डिज़ाइन स्कैम्बलर। और कोई भी मेन सेगमेंट में जो हमारी बाइक्स है ना, कोई बाइक इसके डिज़ाइन को कंपेयर नहीं कर सकती अभी। बीट द ड्यूक, बीट द R15, आई लव दोज बाइक्स रियली। ठीक है, मुझे ड्यूक 250 बहुत पसंद है, ड्यूक, सारी ड्यूक नहीं पसंद, ड्यूक 250 बहुत पसंद है, उसका पावर मेरी बाइक जितना ही है। बीट R15, मेरे को नया वाला R15 BS6 मॉडल भी बहुत पसंद है, उसका ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बाकी कलर्स आई डोंट नो स्टिल, बट इस बाइक का डिज़ाइन इज़ टोटली डिफरेंट। आपको पता है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज थिंग्स इन पटना पे इस बाइक के डिज़ाइन को देख सकते हो। द सेकेंड थिंग इज़ ये एक स्कैम्बलर है, और प्रॉपरली एक स्कैम्बलर इंडियन मार्केट में आई नहीं है, और आई भी है तो इस प्राइस रेंज में नहीं आई है, तो 220 से 250 के अकॉर्डिंग आप फाइनेंस करके इसे ले सकते हो। इसका प्राइस है 2.5 लाख के अराउंड। इसका जो रेट्रो लुक है, एक थोड़ा सा रेट्रो फील आपको देता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो गोल सा है, प्लस काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन है, स्टिकर्स नहीं है इसमें, लोगो उसका यूज़ किया गया है हुस्क्वर्ना का, और हुस्क्वर्ना का लोगो इतना मिनिमल एस्थेटिक लगता है, आई फील वेरी काम इस बाइक से एक लुक आता है। रेस्ट, अभी हम पहुंच चुके हैं अगम कुआं, हमने पार कर लिया है, भूतनाथ क्रॉस कर रहे हैं, कुमरार क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं यार, आई होप आगे ट्रैफिक ना हो और यहाँ पुलिस, निकलते हैं यहाँ से। मुझे हमेशा डर लगता है यार, मगर बेसिकली अभी आशीष मेरे साथ हैं और हेलमेट्स, और हम दोनों हेलमेट पहन के चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ना पुलिस का अगर मन किया तो देल गेट यू। ठीक है, आपने पूरा गेयर पहन रखा हो ना तब भी देल गेट यू, ठीक है, और उसके बाद फिर क्यों कोई अपना 15 मिनट वेस्ट करना चाहेगा। ऑब्वियसली इफ़ यू हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग तो आपको वो रोकेंगे नहीं, आपको जाने देंगे, लेकिन फिर 15 मिनट धूप में वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरे बाइक के, यहाँ से निकल जाते हैं पहले, अब बात करते हैं मेरे बाइक के इंजन की,
जो कि है BS6 कंप्लायंस इंजन है और बहुत ही स्मूथ इंजन है। हस्क्वर्ना का जो इंजन है वो KTM 250 वाला ही इंजन यूज़ किया गया है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग दोनों की सेम होती है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इस बाइक की पावर देखनी है, मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी बाइक से इसकी रेस करवा दो, R15 ड्यूक, MT15, मैंने MT15 से रेस किया और आगे और भी रेसेस आने वाली हैं, लेकिन इस बाइक को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। राइड जो है इस बाइक में, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टूर्स के लिए बनी हुई बाइक है। मैं ज़्यादातर इसे सिटी में यूज़ करता हूँ, सिटी राइड यूज़ करता हूँ, ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ, फूड ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ, मोटर ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। रेसेस मैं ज़्यादा नहीं करता अभी इससे, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा इससे कंपैटिबल नहीं हूँ इस बाइक के वेट और उससे। मेरे पास एक RX 100 है, वो काफ़ी कंपैटिबल है। बाकी मेरे घर पे एक बुलेट, एक पल्सर है, वो काफ़ी कंपैटिबल है, पर इसको अभी नई बाइक है यार, थोड़ा सा डर लगता है। तो अब हम आ चुके हैं राजेंद्र नगर। अब यहाँ से हम, यहाँ तो रोड मेरे को लगता है खाली होगा, बहुत ही जल्दी से निकल जाते हैं यहाँ से। बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे जाने पे विंड ब्लास्ट आपको फील होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक रेट्रो लुक है और इसका विंड ब्लास्ट आपको फील होगा सिंगल सिलेंडर इंजन में। वाइब्रेशन थोड़ा सा फील होता है जब बहुत स्पीड में जाओ, लेकिन धीरे 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 सर्विसिंग के बाद वाइब्रेशन कम हो जाएगी। बाइक के कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है, पर कंफर्ट से पहले आते हैं माइलेज पे। माइलेज यार तुम बताओ, आप गेस करो, आपने कितना माइलेज दे सकती है। लोगों ने कहा था 20 के ऊपर ही माइलेज नहीं देगी, और ये बाइक अभी मुझे सिटी के अंदर 25-30 के बीच में माइलेज दे रही है। पटना सिटी में माइलेज कम हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लच और ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है, बहुत ट्रैफिक होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जिस तरह मैं अभी चला रहा हूँ, इस तरह अगर चलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 25 के ऊपर और 30 के आसपास ही माइलेज देती है, तो माइलेज बुरा नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी लोग अपने बुलेट को अच्छे से लगते हैं, बुलेट भी जो होती है रॉयल इनफील्ड, वो भी 25 के आसपास की माइलेज देती है, और ये बाइक मुझे लगता था कि 20 के आसपास देगी, और ये बहुत अच्छी माइलेज दे रही है। अगर मैं इसे हाईवे पे चलाऊं तो मुझे पता है कि 30+ माइलेज मिलने वाला है मुझे। बात करें इस बाइक के सस्पेंशन की, तो इस बाइक का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। बम्पी रोड्स हो, चाहे किसी टाइप का ऑफ रोडिंग कर रहे हो आप इस बाइक से, आप कर सकते हो। ब्रेक्स यार काफ़ी क्लोज कॉल, और काफ़ी बुरे एक्सीडेंट से इस बाइक के ब्रेक ने मुझे सेव किया, अगर आप 60-40 के अराउंड ब्रेक यूज़ करते हो फ्रंट और बैक। इस बाइक में डबल ABS है और एक सुपर मोटो मोड है जिसमें एक ABS बंद हो जाता है। तो भाई सुपर मोटो मोड में आपको इस बाइक को चलाना होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर मिलती है आपको बाइक में। कंफर्ट बहुत अच्छा है, पिलियंस के लिए बहुत कंफर्टेबल है। मे बी आपको पिलियन सीट छोटी लगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइडर के लिए तो ये बाइक जन्नत है यार। हो सकता है ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो, स्पीड ब्रेकर अगर गलियों में आप जा रहे हो तो हमारे पटना सिटी और पटना की गलियों के बारे में यू नो बेटर, तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स में ग्राउंड आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बाइक है वो दैट विल टच, बट अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये था मेरा टोटल रिव्यू आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग हस्क्वर्ना शॉर्ट पिलन 250 की, जो कि मेरी अपनी बाइक है। तो एक ओनरशिप रिव्यू आपको मैं यहाँ देना चाह रहा था कि पर्सनली मुझे कैसा लगा इस बाइक को, और बहुत अच्छी बाइक है यार, आई विल रिकमेंड यू दिस बाइक। अब हम वापस जा रहे हैं PNM मॉल में, हमारा ब्लॉग हो चुका है। ये हम बोरिंग रोड चौराहे पे हैं, यहाँ से हम मॉडल की तरफ निकल जाएंगे। तो मुझे आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एटलीस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर एक बार जाके देखो कि हम किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर आप हमारे वीडियोस देखते रहते हो तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, अलविदा, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।